छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 19वीं राज्य शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस शालेय क्रीडा प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मंत्री अकबर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही स्टेडियम में फ्लड लाइट लगवाने की घोषणा की। जिले में पहली बार रग्बी और कूडो का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया भी मौजूद रहे। ग्राउंड के बारे में कुछ समय पहले एक मांग आई थी कि यहाँ पे खिलाड़ी जो हैं वो रात को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइट का अभाव है। उसके बारे में बाकी बारे में समय समय पर जो जानकारी आएगी वो कठिनाई को जो दावेदार तो जो जीत सके वो दावे। यूपी कांग्रेस में ऑपरेशन का